अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री रघुवर दास के नगर पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री रघुवर दास के नगर आगमन पर बुधवार को कार्यकर्ताओं ने मानगो पुल पर उनका भव्य स्वागत किया। वहां से वे सीधे एग्रीको स्थित अपने आवास पहुंचे। उन्होंने कहा कि ई गवर्नेंस पर काम चल रहा है, जिससे भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक लगाम लग जाएगा और बहुत जल्द निगरानी विभाग और लोकायुक्त भी एक्शन में दिखेंगे। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के लिए नक्सल प्रभावित में बहुत जल्द सड़कों का जाल बिछाया जाएगा और कहा कि पूरे राज्य क्षेत्र में अच्छे दिन आएंगे। मंत्रिमंडल का विकास होगा, मंत्रिमंडल में एक मिनट जब पीछे चुप रहेंगे, पूरी क्षेत्रता सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत होगा। हमारे पास योजना बहुत सारी योजनाएं हैं जो भारत सरकार फेज टू में हमें सैंक्शन प्राप्त नहीं हुआ, और कल माननीय मंत्री जी से बात, उन्होंने कहा पूरी आप स्कीम आप दिल्ली दो ताकि फिर हम वहाँ अपने एक्सरसाइज करके फिर रांची उन्होंने आने का आश्वासन दिया है, और हम कल ही हमने सचिव को आदेश दे दिया कि पूरी आप सड़कों का जो भी प्रभावित क्षेत्र है सड़कों का आप लिस्ट बनाए ताकि हम परसों तक भारत सरकार सड़क परिवहन को भेज दें, और फिर माननीय मंत्री जी एक्सरसाइज करके फिर झारखंड आएंगे ताकि उग्रवाद प्रभावित सड़कों का जाल हम बिछा सकें, विकास हर लोग तक पहुंचे, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली सरकार ने नियमित बस्तियों की है, उसकी कॉपी हमारे जो ओएसडी है उदय प्रताप सिंह जी वो नगर विकास सचिव से प्राप्त कर ली है, और उसका अध्ययन करने के लिए नगर विकास सचिव को दे ताकि अध्ययन करने के बाद फिर झारखंड में भी जो हमने कही है तो बात को जमीन पर उतारने का काम कुछ करें। कुछ लोग रैयत का मुद्दा उठा रहे हैं, आपका जो मालिकाना हक का घोषणा हुआ उसके बाद नहीं, सारी चीजों को देखते हुए समझते हुए को न्याय, सबके साथ न्याय, सबका विकास, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। किसी के साथ अन्याय ना हो ये से हमारी सरकार देखेगी, जिसका जो हक है वो हक उसे मिलेगा। अच्छे दिन अब हर जगह झारखंड के हर जगह अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत जल्द तो जमीन पे नजर आएंगे। मुख्यमंत्री जी सरायकेला में 6-6 गाड़ी को आग लगा दिया गया, पुलिस वहाँ बहुत देर से पहुंची, यहाँ तक एसपी ने पूछे, लोग मांग करते रहे, तो मांग करते रहे, दो तीन दिन तक अस्त व्यस्त रहा। नहीं देखिए, ये झारखंड में बहुत परिपाटी गलत चल रही है, कहीं कुछ हुआ रोड जाम कर दे, इसलिए मैं झारखंड की भी जनता से अपील करूंगा, क्योंकि रोड जाम होने से बहुत कष्ट होता है, स्कूल के बच्चे को कष्ट होता है, तो जो भी मत प्रशासन के पास आप सुपुर्द करें, अगर प्रशासन नहीं सुनता तब आंदोलन के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन कहीं कोई घटना होती है तो रोड जाम करके पूरी आम जन जीवन को अस्त व्यस्त, हम चाहेंगे कि इस तरह लोग ना करें, और उनकी जो भी समस्या दुर्घटना अंतः दुर्घटना ही होती है, कोई जानबूझकर दुर्घटना नहीं होती है, इस बात को भी हमें लोग को समझना होगा। लोग इस राज्य को विकसित राज्य बनाना तो लोग को सोच में भी परिवर्तन होना, सिर्फ सरकार के भरोसे हम इस राज्य को विकसित राज्य नहीं बना सकते जब तक लोगों की सोच इस राज्य के प्रति और इस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति उसमें आम जनता के भी सहयोग हमें चाहिए। पूरे झारखंड वासी को हार्दिक शुभकामनाएं, और ये जो पर्व त्योहार है ये हमारी खुशहाली और आपसी भाईचारा का पर्व है, तो आप उत्साह उल्लास के साथ साथ हम झारखंड को और विकसित राज्य बनाए इसके लिए भी आज संकल्प की घटनाओं में लगाम नहीं लग पा रहा है। बीएच एरिया रोड नंबर 3 में ललित देवी के घर से ताला तोड़कर चोरों ने करीब 2 लाख
आपके जेवर व सामानों पर हाथ साफ कर दिया। शहर में चोरी की घटनाओं में दिनों दिन वृद्धि जा रही है और जिला प्रशासन के नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। रोड नंबर 3 मकान नंबर 96 की रहने वाली ललिता देवी परिवार के साथ रविवार को 2 दिनों के लिए शहर से बाहर गई थी। मंगलवार को जब वे वापस लौटे तो पाया कि ग्रिल और दरवाजा के ताले टूटे हैं और गहने समेत करीब 2 लाख रुपयों के सामान गायब हैं। मजे की बात तो ये है कि रात को खबर करने के बाद पुलिस सुबह पड़ताल के लिए पहुंची। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वारदातों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन कितना गंभीर है। क्वार्टर नंबर 96, मेरा नाम है ललिता देवी और हम लोग गए हुए थे। जैसे घर घुसे हैं तो मतलब मेन गेट का ताला टूटा हुआ था, फिर दरवाजा का ताला टूटा हुआ था, सामान मेरा पूरा बिखरा पड़ा हुआ था। उसका बाद हम यहाँ पर बाहर मतलब में हम अपना बैग रख के गए थे। मेरा बैग से जो है मतलब कुछ ज्वेलरी और कुछ कैश मतलब वही 1.5 का आसपास का सामान लेके भागा है। 1.5-2 लाख के चोरी हुआ है। बाहर चले गए थे एक हफ्ता, बाहर थे तो इनको आए तब मालूम हुआ कि हमारा ताला की कुंडी तोड़ के, तो इसी में हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं काका सामान चोरी हुआ है। टुसु पर्व के मौके पर नदी घाटों में स्नानदान का रस्म है। बुधवार की संख्या में श्रद्धालुओं ने नदियों में डुबकी लगाई। मकर संक्रांति और टुसु के पर स्नानदान और दही चूड़ा का सेवन करने का रिवाज है। बुधवार को नदी घाटों पर श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में डुबकी लगाई और पूजा पाठ कर दही चूड़ा का सेवन किया। है ना कि आज गंगा स्नान भगवान की क्या है कि गंगा स्नान करने से पाप पुण्य जितना भी कट पुण्य थी रहता पाप रहता सब कट है। माँ का दर्शन करने से स्नान करने से जो भी आज मकर संक्रांति महीने खरवास रहता है उसके बाद पुण्यतिथि में जाते हैं प्रवेश करते हैं वहाँ। मकर संक्रांति का पर्व है, ये कहीं नहीं जाता, ये जो है आस्था पर्व है, हमेशा ये एक ही जगह पर रहता है 14 जनवरी। भले पंडित लोग झूठ बोले 16 होता है 15 होता है, लेकिन नहीं ये 14 जनवरी है तो 14 जनवरी रहता है। आज का शुभ दिन मकर संक्रांति के लिए हम लोग शुभ दिन मानते हैं। बाप पुण्य सब कट जाता है। आज पकवान में क्या क्या बनता है? हम लोग तो दही चूड़ा खाते हैं, हम लोग बिहारी। ग्रामीण बैंकों में ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला के सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों की बैठक बुधवार को आयोजित हुई। ऑडिटोरियम में आयोजित बैठक में ग्रामीण बैंक के सभी रीजनल प्रबंधकों ने भाग लिया। बैठक में हर त्रिमासिक में कामकाज में हुए विकास संभावनाओं पर चर्चा हुई, साथ ही बैंक के विभिन्न स्कीमों से जनसंख्या में लोगों को जोड़ने पर भी चर्चा हुई। झारखंड ग्रामीण बैंक एसोसिएशन की चेयरमैन ब्रिजलाल ने बताया, साथ हेड ऑफिस से आए हुए मुख्य प्रबंधक श्री सिन्हा जी हैं, क्योंकि बैंक की हर क्वार्टर में हम परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं और जानना चाहते हैं कि हम कहाँ हैं और आने वाली जो प्लानिंग है स्ट्रेटेजी उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे आने वाले दिनों में जो हमारे पास अभी 89 डेज या 70 डेज हमारे पास बिजनेस के डे बजे हुए हैं उसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो यही एक प्लानिंग है, क्योंकि ये झारखंड ग्रामीण बैंक स्टेट का इकलौता बैंक है जो जिसका हेड ऑफिस रांची में है और हम हमारी जो काम है वो पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने की है। ऐसे तो बैंक में धीरे धीरे, क्योंकि जब से नरसिम्हम कमेटी की रिक्वेस्ट आई है तब से हम जनरल बैंकर हो गए हैं। जनरल बैंकिंग की हमने बहुत सारी स्कीम इंट्रोड्यूस की हैं, उन स्कीम्स में जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक बहुत अच्छी स्कीम है, डॉक्टर्स के लिए लोन देने के लिए डॉक्टर प्लस हमारी एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें डॉक्टर्स बिना किसी सिक्योरिटी के 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में हमारा एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया जा सकता है। केसीसी जो हमारा पहले से प्रोडक्ट है, इनिशियल प्रोडक्ट है, जिसमें केसीसी अपने क्षेत्र में जो सेवा क्षेत्र बटे हुए हैं हमारे प्रबंधकों के, उस क्षेत्र में वो कृषि के लिए तमाम योजनाओं के लिए ऋण दे सकते हैं। युगांतर भारती द्वारा स्वर्ण रेखा उत्सव मनाया जा रहा है, साथ ही नदियों को प्रदूषण मुक्त व स्वच्छ बनाने के लिए जागरूकता चलाई जा रही है। बुधवार को युगांतर भारती द्वारा स्वर्ण
का महोत्सव मनाया गया। विधायक सरयू राय और जिसको प्रबंध निदेशक आशीष भी सुनरेखा तट पर मौजूद थे और आरती पूजन में भाग लिया। इसके तहत नदियों को प्रदूषण मुक्त करने और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी भूमिका है और यही चीज है, आप लोगों को शायद इस बात का अंदाजा हो कि जहां जस्को के लेवल पे एक बहुत बड़ी परियोजना पर काम चल रहा है जिसमें के पूरे शहर का, अभी जैसे क्या होता है कि हमारा जो सीवेज जो हम कलेक्ट करते हैं अपने दो सीवेज कलेक्शन सेंटर्स में उसको करके अभी हम लोग वापस डालते हैं, लेकिन हमारी परियोजना इस तरह से है कि बिल्कुल जैसा अभी सरयू जी ने कहा है कि उस पूरे सीवेज को हम लोग ट्रीट करके वापस शहर के अंदर ला के इरीगेशन पर्पजेज के लिए यूज करेंगे। तो दो फायदे होंगे कि एक तो ये कि कभी भी जल की कोई कमी नहीं रहेगी तमाम इसके लिए, तो जयपुर जमशेदपुर जो हमारा है